अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईएनई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद दगन की मायानाज बुजुर्ग हजरात यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तकारीब का आगाज आज झेले मुबारक के अहतमाम से हुआ, लेकिन वहां पर खास बात ये देखने में आई कि सीएम केसीआर के पुलिस ने बारगाह के सजादा नशीन व साबिका मुतवली फैसल अली शाह को छिल्ला मुबारक निकालने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत की मोहतरमुल मुकाम अदालत हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी दिखाया, लेकिन एक नहीं सुनी गई। बाद में हमारे एक नामा निगार ने जब पुलिस से रब्त पैदा किया तो उन्हें बतलाया गया कि उनके पास पुलिस परमिशन नहीं था, इसलिए ऐसा किया गया है। लिहाजा महकमे पुलिस का रवैया इंतहाई झूलदार साबित हुआ, जो कि अरसे दराज से ऐसा ही देखा जा रहा है। बन जा रही वो नहीं, अभी नहीं, वो बाद में जाओ, बाद में जाओ, बाद में जाओ, वो बाद में जाओ बोली साहब, बाद में जाओ, बाद में जाओ, बाद में जाओ, मैं भारत का बीमार है, देखने जाना है मेरे को इधर बोलिए। वो आपको जाने के बाद में 41 याद पर 41 कॉग्निजिबल ऑफेंस याद पर गिरफ्तार करो ना, आप गिरफ्तार करो, मैं घर को जा रहा हूं। यू आर गोइंग टू बी हाउस अरेस्ट, वी आर गोइंग टू बी हाउस अरेस्ट, ओके, यू आर गोइंग टू बी हाउस अरेस्ट, ओके, दैट्स इट, या ले लिए ना, आप समझ गए ना, बोलिए, मेरे को ये घर कानूनी तौर पे इन हाउस अरेस्ट कर रहे, या ठीक है, ठीक, बोलो मुनीर मियां, या जी सर, जेले में शहदा को शरीक हूं, जाहिर है शरीक नहीं हो सकते जेले में। आप बोल रहे हैं कि जो है वो वहाँ पे गए तो उससे भी जो है वो लोग झगड़ा हुई वहाँ पे, आप गए तो बोल के आप खुद भी बोल रहे हैं, मैं खुद भी वहाँ पे लेके चलता हूँ, मगर मानना नहीं है उनके मतलब। हाईकोर्ट का ऑर्डर वो आपको प्रोसीजन के प्रोसीजन को सपोर्ट करेगा, ऐसा कॉमन पब्लिक में आप भी जाओ बोले तो कॉमन पब्लिक का ऐसा जाने का ऑर्डर है, अभी वो 2004 में 2014 में गाड़ी गाड़ी नहीं रखना, आप कॉमन पब्लिक में ऐसा गए तो गाड़ी में पैसा जाऊंगा, गाड़ी में जाते हो गाड़ी में जाना कानून गलत है। हाँ करा था, कॉमन पब्लिक हम नहीं है ना, हम सज्जादा नशीन पीठाधिपति हूँ मैं, तुम्हारा आदि शंकराचार्य को बोलते जाके कॉमन पब्लिक के जैसा जा बोल के नहीं बोल सकते क्या? आप ऐसा परमिशन लगी, परमिशन लगी एसीपी साहब से परमिशन लिया आप इधर से जाने का, इधर से जाने का नहीं, मैं कभी भी नहीं लिया हम परमिशन जाने का, ऐसा नहीं है परमिशन पक्का, वो बात सुनो, कभी भी हम परमिशन नहीं लिए क्योंकि हमको अभी भी नहीं, हमको जुलूस, हम तो जुलूस निकाल रहे हैं जमा कर रहे लाखों का, तो परमिशन लेंगे हम, गाड़ी में बैठ के जाते, गाड़ी में बैठ के आ जाते, आप जहाँ से बोले वहाँ से बैठते, आप चौरस्ते के बाद बैठोगे तो बैठते, यहाँ बैठोगे तो यहाँ बैठते, आप जहाँ बोले आप बताओ वहाँ से बैठते, हम
आम पब्लिक के जैसे आप साथ चलो, हम आम के जैसे प्रोसेशन में कोई निकलने का टाइम तो सीबी साहब से परमिशन लेना। नहीं प्रोसेशन 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 है ही नहीं हमारा। अरे आप गए तो वो प्रोसेशन आदे के लिए आपका वो, तो मैं क्या वो अच्छे आदमी है, वो आपको बड़ा आदमी है, आप पंडित है, मैं क्या आपके साथ आ जाते वो आप कानून बताओ गिरफ्तार करो। 10 व्हीकल 15 व्हीकल परमिशन लेने के बाद कर ले, नहीं काम करो, मेरी गाड़ी यहाँ ला दो घर के पास, मैं यहाँ से बैठ के चलता हूँ, तुम लोग गाड़ियाँ दूर रखो, एक मिनट बातचीत करने, तुम लोग के गाड़ियाँ सुबह अलग करा दो, वहाँ से पूरे जाके पैदल यहाँ से चलेंगे, मैं गाड़ी में चलता हूँ वहाँ जाके बैठ जाऊँ। जी अच्छा ठीक है, परमिशन ले ले वो। नहीं नहीं हम मैं अकेला कॉमन पब्लिक के जैसा बोलता हूँ, कॉमन पब्लिक के जैसा परमिशन लेने की जरूरत है। हाँ बोल बात करो। आज फैजल अली शाह बोल के वो सज्जाद नाशिन एक्स मुतवली है, उन्हों वो यूसुफ़ैन दरगाह से पंजेशा तक वो प्रोसेशन निकालने का परमिशन नहीं लिया, उन्हों वो इधर से प्रोसेशन लेने का वो तैयार करे, उसलिए मैं प्रोसेशन नहीं निकालना, आपको आपके पास परमिशन नहीं है ऐसा उसलिए बोल के उनको रोका, परमिशन नहीं ना वो प्रोसेशन नहीं लेना ऐसा बोल के रोका उनको। सब उन्होंने ये बोल रहे कि प्रोसेशन नहीं निकाल रहे, वो लोग ज्यारत के लिए जा रहे बोल के, तो उसके लिए परमिशन का हमको जरूरत नहीं है बोल के बता रहे साहब। यह उन्होंने वो उधर गए तो भी वो अभी तक जाना है, वो उन्होंने ऐसी बोल के बाहर ऐसा जाके ऐसा वो करने का और कुछ गड़बड़ करने का उसमें सोच रहे, मेरा इंफॉर्मेशन भी आया, वो इंफॉर्मेशन के बारे में उनको रोका, वो प्रोसेशन नहीं लेना बोल के उनको रोका। उनको हाउस अरेस्ट करे सर? ऐसा नहीं, वो हाउस अरेस्ट नहीं करे, वो बोला वो उन्होंने भी ऐसी उन्होंने ऐसा सोच रहे, मैं हाउस अरेस्ट नहीं करे, वो खाली उनको बोला वो प्रोसेशन नहीं निकालना, आपको परमिशन नहीं लिया आप ऐसा बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद फैसल अली शाह सज्जाद नशीन दरगाह यूसुफ़ैन, अवाम से और हुकूमत से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस जो है बिला वजह के जुल्म कर रही मासूम लोगों पर, और जो है दरगाह में जो है गरीब और शरीफ लोग आते जो ज़ायरीन आते उनको तंग कर रहे, दरगाह में गुंडों को जो है सपोर्ट कर रहे दरगाह में आके, वो एक जो है मुतवली साहब जो है गैर कानूनी तौर पर वफ एक्ट के ख़िलाफ़ जो है मुतवली बन के बैठे हुए है, ब्राइब करके लोगों को जो है जो भी करके उन्होंने वो करके बैठे हुए हैं, उन्होंने सब गुंडागर्दी और न्यूसेंस पैदा कर रहे, नहीं तो 300 बरस से हमारे बाप दादा सकर दादा मेरे पास मुग़ल पीरियड का जो पहला डॉक्यूमेंट है मुग़ल पीरियड से ले के पूरा उस्मान अली खां की हुकूमत, फिर ये जो इंडियन गवर्नमेंट का भी मेरे पास ऑर्डर है कि मैं सज्जाद नाशिन हूँ हेरिडेटरी और मैं मुतवली हूँ, मैं मुजाविर हूँ, और वफ एक्ट के लिहाज से भी, वो वफ एक्ट की किताब ला, वफ एक्ट के लिहाज से भी देखिए आप यहाँ जज खुद मेंशन करें हमारे अफजलपुर कर्जा, ऑफिस ऑफ सज्जाद नशीन इज अनअफेक्टेड बाय द सस्पेंशन और अदरवाइज फ्रॉम द ऑफिस ऑफ मुतवली इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 64(2) ऑफ द वफ एक्ट 1995 पेटिशनर हु क्लेम्स टू बी सज्जाद नशीन शैल बी अलाउड टू फंक्शन एज सज्जाद नशीन दो द ऑर्डर इज सस्पेंशन ऑफ हिज स्टेटस एज ए मुतवली इज नॉट इंटरफियर्ड विथ। कब का है जी ये? जब इन लगा मेरे को सस्पेंड करे ना तो मेरे को रसूमात अदा करने नहीं दे रही थी वक्फ बोर्ड, तो मैं ये डाला तो ये ऑर्डर मिला मेरे को कि इनकी सज्जादगी महफूज है, 64 के तहत इन लोग मेरे को रिमूव करे पूरे इल्ज़ाम लगा के, और उस 64(2) के तहत ये ऑर्डर है, और 64(6) एक क्लास में वो 64(6) के तहत जहाँ हेरिडेटरी मुतवली और सज्जाद नशीन रहता वहाँ वक्फ बोर्ड जो है ट्रिब्यूनल को आप दरख्वास्त देना कि यहाँ कोई रिसीवर कायम करो आप, और रिसीवर को ये ताकीद करो कि सज्जाद नशीन के और रिमूव मुतवली के जो भी पर्सनल राइट्स है नहीं उसको प्रोटेक्ट करते हुए।
अभी क्या मसला ये है, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, वक्फ बोर्ड एक जो सेमी गवर्नमेंट इदारा है उसको बोल रहे गवर्नमेंट की हमको सुनना पड़ता। सीओ फोन करके बोला, मैं बोला सीओ को लिख के दो, बोला ना भाई सीओ ने एक अहदेदार है, जिम्मेदार आदमी है तो लिखा ही पढ़े से काम करना, नहीं उन्हें लिख के दे दो फैसल अली शाह आप मत निकलिए, आपका निकलना मना है फलाने फलाने वक्फ एक्ट के तहत, पुलिस वालों को दे दो। पुलिस वाले मेरे को दे देते, मैं खुद ही नहीं निकलता हूँ। अच्छा अब यह मसला है, फिल वक्त मैं जायरीन के तरह नहीं शरीक हो सकता हूँ, मेरे को मुतवली से हटा दिए होंगे, सज्जादा नशीन से तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता मेरे को, वो तो मेरी रूहानी गादी है। नहीं मैं अभी सरकार साहब को वही बोला, नहीं आप निकले तो पब्लिक जमा हो जाती, पब्लिक जमा होती तो मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं आप एक आम पब्लिक के जैसा जाओ। मैं बोला आदि शंकराचार्य को जाके बोलो आम पब्लिक के जैसा निकलो बोल के, बोलो तुम्हारे कौन से कानून के तहत बोल रहे तुम ये बात। अभी क्या चाह रहे हो? नहीं मैं तो सरकार के जेले में शरीक होना चाह रहा हूँ, समझे ना, और मेरे को अकेला जाओ बोले, मैं अकेला जा रहा हूँ तो पब्लिक जमा हुई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं नहीं है बोल के आपको, नहीं परमिशन कह के वास्ते हो ना, मैं कोई प्रोसेशन निकाल रहा हूँ, मैं कोई प्रोसेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं अकेला गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ तो नहीं जाना बोल रहे, मेरे घर में घुस जा रहे जनाना है बोल तो घुस जा रहे पुलिस वाले, ये तरीका है पुलिस का? आपको हाउस अरेस्ट करे बोल के बता रहे हैं अभी। कहीं को करे, मैं क्या करा, चोरी करा, डाका डाला, कोई वो कर रहा हूँ मैं, परमिशन नहीं है, कहका परमिशन होना, मेरे को रोड पे जेल में शरीक होने परमिशन होना, आप लिख के दो बोला ना उनको, उनको लिख के दो बोलो जेल में शरीक होने का परमिशन होना बोल के। अब कितने जाहिरीन है, ये सब जाहिरीन है, इन्हों शरीक होने आए जेल में, दूर दूर से आए, कोई कर्नाटक से आया, कोई उससे आया, मेरे पास हर साल मैं बुलाता हूँ, हर साल आते इन लोग जाके शरीक होते, मैं भी शरीक होता हूँ, मैं जायरीन के जैसा नहीं शरीक हूँ। आप कौन सा कानून बताओ बोलो ना, आप पुलिस को, आप मीडिया वाले पूछो, सवाल कीजिए आप। भगवान देवी हॉस्पिटल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए, तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे, मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड Diagnostics, Operations Facility and Pharmacy, Juhi Clinic, 3rd Floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।